Now this entire combinatrix is actually dependent on two principles, which is also called as fundamental principle of counting. ठीक है, तो fundamental principle of counting के अंदर दो principles हमारे पास आते हैं. पहला है fundamental principle of multiplication and second is fundamental principle of addition. जितने भी आपके पास questions होंगे in terms of permutations and combinations, the basis जो है permutations and combination का वो यही दो principles है, that is fundamental principle of multiplication and fundamental principle of addition. अगर आपके दोनों जो concepts हैं, अगर आपके दोनों concepts समझ में आ गए, तो हमें permutations और combinations को करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी. Permutations, combination के जो questions हैं, वो आप चुटकियों में solve कर लेंगे. ठीक है, तो पहला जो प्रिंसिपल है, दैट इज फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन. पहले समझते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन में किस जगह पर वैलिड होगा. एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, पहले एग्जांपल से फिर मैं समझाता हूँ, और फिर जो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन वो मैं आपको समझाऊँगा, और किस तरीके से वो अप्लाई हुआ ये भी मैं आपको समझाऊँगा. ठीक है, एज्यूम कीजिए कि आपके पास एक पर्सन है एंड द पर्सन नेम इज़ धीरज. ठीक है, अब धीरज जो है वो स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट है. धीरज के पास दो ब्लू पैंट्स हैं और उसके पास थ्री रेड शर्ट्स हैं. थ्री रेड शर्ट्स, ये उसके स्कूल की यूनिफॉर्म है. अब जो धीरज है उसको इन शर्ट्स को और पैंट्स को किसी कॉम्बिनेशन में पहनना है हर दिन. ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि जो पैंट्स हैं इनका कलर अलग अलग है और जो शर्ट्स हैं उनका कलर अलग अलग है. ठीक है, जस्ट इमेजिन, तो पहले हम ऐसा करते हैं, पहले इमेजिन करते हैं कि जो पैंट्स हैं दो अलग अलग पैंट्स हैं हमारे पास और तीन हमारे पास शर्ट्स हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि कलर सेम हो, ऐसा हो सकता है कि तीनों की शर्ट्स का कलर डिफरेंट है, यानी कि अलग है. यहाँ पर मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि दोनों पैंट्स का कलर डिफरेंट है और दोनों तीनों शर्ट्स का कलर डिफरेंट है. ठीक है, अब जो धीरज है इनको पहनेगा तो कितने कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना सकते हैं. देखो वो क्या कर सकता है, एज्यूमिंग जो पैंट्स हैं वो है पैंट वन एंड पैंट टू, शर्ट्स हमारे पास शर्ट वन, शर्ट टू एंड शर्ट थ्री. तो धीरज किस तरह से कॉम्बिनेशन बना सकता है, वो हमारे पास दो पैंट्स हैं पैंट वन और पैंट टू. ठीक है, अब पैंट वन के साथ वो शर्ट वन को पहन सकता है, पैंट वन के साथ ही कैन वेयर शर्ट वन. ठीक है, उसी तरीके से ही कैन वेयर शर्ट टू, उसी तरीके से ही कैन वेयर शर्ट थ्री. इनका जो कॉम्बिनेशन है, आई एम शोइंग द कॉम्बिनेशन एज पैंट वन शर्ट वन, पैंट वन शर्ट टू, पैंट वन शर्ट थ्री. ठीक है, उसी तरीके से जब वो सेकंड पैंट पहनेगा अगेन वो तीनों शर्ट का कॉम्बिनेशन बना सकता है, शर्ट वन शर्ट टू एंड शर्ट थ्री. तो क्या होगा हमारे पास, पैंट टू शर्ट वन, पैंट टू शर्ट टू एंड पैंट टू शर्ट थ्री. यानी कि अगर धीरज के पास दो पैंट्स हैं और तीन शर्ट्स हैं तो इन टोटल वो उसको छः अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन के साथ पहन सकता है, जो कि कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर टोटल मिले हैं, यानी कि ये सिक्स कॉम्बिनेशन हैं जो धीरज बना सकता है. अब इस चीज़ में आप ध्यान दीजिए, जब हमने इस चीज़ इन कॉम्बिनेशन की बात की है तो हम साथ में ये भी बता रहे हैं कि इनके टोटल कॉम्बिनेशन कितने बने. लेकिन अगर इसको शॉर्टकट फॉर्म में अगर आपको निकालना है तो कि ये कितने तरीके से पहना जा सकता है, तो इसका सिंपल सा आंसर ये भी है कि हमारे पास दो पैंट्स हैं और तीन शर्ट्स हैं, तो इन टोटल हमारे पास सिक्स वेज के अंदर आप इनको पहन सकते हैं. सिक्स वेज के अंदर आप इसको पहन सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता है, इफ़ देर आर टू जॉब्स सच दैट वन ऑफ देम कैन बी कम्प्लीटेड इन एम वेज. यानी कि हमारे पास दो जॉब्स हैं जिसमें से एक को हमने एम वेज में कम्प्लीट किया. यहाँ पर है एम वेज, एम वेज कितना है हमारे पास, टू. यानी कि आप दो पैंट्स को अलग अलग तरीके से पहन सकते हैं. एंड वेन इट हैज़ बिन कम्प्लीटेड इन एनी वन ऑफ दीज एम वेज, दीज एम वेज, द सेकेंड जॉब कैन बी कम्प्लीटेड इन एन वेज. फॉर एग्जाम्पल शर्ट्स कैन बी कम्प्लीटेड इन एन वेज, आप इनको एन तरीके से शर्ट्स को पहन सकते हैं. देन द टू जॉब्स सक्सेशन कैन बी कम्प्लीटेड इन एम क्रॉस एन वेज. यानी कि जब दोनों को आप सक्सेशन में करेंगे तो आप इसको एम क्रॉस एन वेज के अंदर कर सकते हैं, यानी कि टू क्रॉस थ्री तरीके से यहाँ से आप कर सकते हैं, इसको एम क्रॉस एन भी कहेंगे. ठीक है, तो यही जो प्रिंसिपल है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इसी प्रिंसिपल की हेल्प से आपके जो भी परम्यूटेशन के फॉर्मूलाज डिराइव हुए हैं, जिस भी तरीके से आपने परम्यूटेशन के फॉर्मूलाज कहे या फिर आपके कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज कहे, तो जो सभी फॉर्मूलाज है वो इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से ही डिराइव हुए हैं. ठीक है, तो
हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशंस को समझने के लिए, ठीक है। एक इसी तरीके से एक दूसरा प्रिंसिपल है हमारे पास, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। अब दोनों के केस में क्या डिफरेंस है मैं आपको एक एग्जांपल से अगले वीडियो में समझाऊंगा कि फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन चेक किया था। इस प्रिंसिपल में द सेकेंड प्रिंसिपल इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। देखिए जो प्रिंसिपल्स हैं दोनों वो सबसे इजी प्रिंसिपल्स हैं सबसे बेसिक फॉर्म में काउंटिंग को समझने के लिए। हम यहाँ पर काउंटिंग को पढ़ रहे हैं तो काउंटिंग को समझने के लिए सबसे इजी प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सा पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ, पहले इन दो एग्जांपल्स को समझाता हूँ मैं यहाँ पे, उस तरीके से फिर मैं उसके बाद फिर मैं इस पॉइंट को समझाऊंगा और लास्ट में फिर आपको बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एज वेल एज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। देखो ये पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल इस तरीके से है, इन ए क्लास देर आर 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। एक क्लास में 10 बॉयज हैं और 8 गर्ल्स हैं। द टीचर वॉन्ट टू सेलेक्ट अ बॉय एंड अ गर्ल टू रिप्रेजेंट द क्लास इन अ फंक्शन। तो टीचर वॉन्ट्स टू सेलेक्ट अ बॉय एंड अ गर्ल। तो यहाँ पर टीचर को एक बॉय और साथ साथ में एक गर्ल को सेलेक्ट करना है टू रिप्रेजेंट द क्लास इन अ फंक्शन, एक फंक्शन में अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए। इन हाउ मेनी वेज कैन द टीचर मेक द सिलेक्शन। तो टीचर इस सिलेक्शन को कितने तरीकों से कर सकता है, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर टीचर को बॉय और गर्ल के कॉम्बिनेशंस बना दें। जैसे कि अगर हमारे पास 10 बॉयज है, बॉयज कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमारे पास बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3 अप टू सो ऑन बॉय 10। सो देर आर 10 बॉयज। इन द सेम वे देर आर 8 गर्ल्स, गर्ल 1, गर्ल 2 अप टू सो ऑन गर्ल 8। सो देर आर 8 गर्ल्स। तो वो कह सकता है कि बॉय 1 का कॉम्बिनेशन गर्ल 1 के साथ, बॉय 1 का कॉम्बिनेशन गर्ल 2 के साथ, बॉय 1 का कॉम्बिनेशन गर्ल 8 के साथ, इस तरीके से। फिर बॉय 2 का कॉम्बिनेशन हर एक गर्ल्स के साथ। तो हमारे पास जो भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि हम एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि हर एक बॉय का कॉम्बिनेशन हर एक गर्ल्स के साथ, ठीक है। इस केस में आपके पास अगर पूछता हूँ इन हाउ मेनी वेज कैन द टीचर मेक द सिलेक्शन, कितने वे से टीचर सिलेक्शन कर सकता है, दैट इज 10 × 8 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 80 वेज। यानी कि टीचर के पास 80 तरीके हैं जिससे वो इनका सिलेक्शन कर सकता है। उसी तरीके से सेकंड केस जो हमने चेक किया, तो यहाँ पर है इन अ क्लास देर आर 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। द टीचर वॉन्ट टू सेलेक्ट अ बॉय और अ गर्ल टू रिप्रेजेंट द क्लास इन अ फंक्शन। इन हाउ मेनी वेज कैन द टीचर मेक दिस सिलेक्शन। तो यहाँ पर जो टोटल ऑप्शन जो अवेलेबल है हमारे पास, देखो पहले हमने एंड की बात की थी, अब यहाँ पर हम और की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो टोटल ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है, दे आर 10 + 8, ठीक है। पहले जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल थे वो हमारे पास 10 × 8 थे, लेकिन अब यहाँ पर जो टोटल ऑप्शन अवेलेबल है वो हमारे पास 18 ऑप्शन है। तो बिकॉज हमारे पास सिर्फ 18 ऑप्शन हैं, तो इन्हीं 18 ऑप्शन में से या तो वो एक लड़के को सेलेक्ट करेगा या फिर एक लड़की को। सो टोटल हमारे पास 18 वेज ऑफ सिलेक्शन, देर आर 18 वेज ऑफ सिलेक्शन, 18 इज द करेक्ट आंसर। अब डिफरेंस क्या, देखो डिफरेंस बिटवीन द टू प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अ जॉब इज डिवाइडेड और डिकम्पोज्ड इनटू नंबर ऑफ सब जॉब्स। यानी कि एक बड़ी जॉब को हम नंबर ऑफ सब जॉब्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शन जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन में ऐसा होता है। लेकिन फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में क्या होता है कि हमें दो जॉब्स हैं उन दोनों कंबाइन कर आपके पास सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा वैलिड है। लेकिन पहले वाले केस में क्या था मल्टीप्लिकेशन में, कि दोनों जॉब्स इंडिपेंडेंट है, हम दोनों को मल्टीप्लाई करना था बिकॉज हमें चेक करना था व्हाट आर द नंबर ऑफ सब जॉब्स दैट आर अवेलेबल। अब अगर मैं यहाँ पर रीड करूँगा डेफिनेशन, इट इज इफ देर आर टू जॉब्स सच दैट दे कैन बी परफॉर्म्ड इन एम वेज एंड एन वेज रिस्पेक्टिवली, देन आइदर द टू जॉब्स कैन बी परफॉर्म्ड इन एम प्लस एन वेज। देखो ध्यान दो, यहाँ पर हमने जो वर्ड का यूज़ किया है वो आइदर, यानी कि दोनों को कंबाइन कर क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर जो हमने वर्ड यूज़ किया था वो था एंड, यानी कि दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग कितने ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इसी से सारी काउंटिंग डिफाइन होती है। अब अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पर इस पॉइंट तक आप सिर्फ नोट्स लिखिए, जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इसको लिख लीजिए। अब मैं इसके बाद जो एग्जांपल्स कवर करूंगा, आई विल टेक सो मेनी एग्जांपल्स, हर एक एग्जांपल के साथ मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।